ये कौन सा फ्लाईओवर है, कहाँ का फ्लाईओवर है, लेकिन जिस इलाके का फ्लाईओवर है वो हम आपको बता देते हैं। ये भिवंडी महानगर पालिका की हद में बंजर पट्टी नाका स्थित फ्लाईओवर है। कौन सा फ्लाईओवर है, अगर इसका नाम ढूंढने आप जाएंगे तो तीनों ही छोर पर आपको इसका नाम तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी राजनेता के नाम से ये फ्लाईओवर होता तो आपको तीनों ही छोर पर उस राजनेता का होर्डिंग पर नाम लिखा हुआ जरूर दिखाई देता। ये दोहरा मापदंड है भिवंडी महानगर पालिका में बैठे उन अधिकारियों का। बहरहाल ठीक है, आज हम फ्लाईओवर के नामकरण पर नहीं जाते। भिवंडी महानगर पालिका की हद में तीन उड़ान पुल है, एक धामनकर नाका, दूसरा कल्याण नाका, तीसरा बंजर पट्टी नाका। करोड़ों रुपए की लागत खर्च कर रिपेयरिंग कराए गए राजीव गांधी उड़ान पुल पर बड़ी गाड़ियों के लिए फिलहाल उसे बंद किया है और शहर के लोग इसी कारण ट्रैफिक की समस्या से दो चार हो रहे हैं। बचा बंजर पट्टी नाके का फ्लाईओवर, मानसून के शुरू होते ही बंजर पट्टी नाका फ्लाईओवर की दुर्दशा कुछ इस तरह से हो गई है कि हिचकोले खाती गाड़ियां आपको भिवंडी में होने का एहसास जरूर दिलाएंगे। चाहे आप फ्लाईओवर के ऊपर से जाएं चाहे नीचे से, आपका भीगना तय है। ऊपर से जाएंगे तो बारिश का साफ सुथरा पानी में भीगेंगे और नीचे से जाएंगे तो गंदे कीचड़दार पानी में भीगेंगे। इस फ्लाईओवर पर अब गड्ढों ने अपना साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित करना शुरू कर दिया है, जो हो सकता है कि इस बारिश में पूरे उड़ान पुल पर इनका ही राज्य हो, यानी गड्ढों का। तो अभी एक ही फ्लाईओवर पर बड़ी गाड़ियों के आने जाने के लिए बंद है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि महानगर पालिका बंजर पट्टी नाका फ्लाईओवर को भी बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दे और भिवंडी की जनता को शहर में चलने के लिए ना फुटपाथ बचेगा और ना ही सड़क बचेगी, क्योंकि शहर में ट्रैफिक का मायाजाल होगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।